ट्रिपल डी यानी दहेज दारू और डीजे को नियंत्रित करने के अभियान के तहत आज जिला मुख्यालय अलीराजपुर में आदिवासी संगठनों की, समाज के लोगों की, प्रबुद्ध लोगों की एक महत्वपूर्ण कार्यशाला आयोजित हुई, जिसमें कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान, पूर्व विधायक महेश मुकेश पटेल, कलेक्टर डॉक्टर अभय बेडेकर, SP राजेश व्यास शामिल हुए, साथ ही समाज के तमाम संगठनों के प्रमुख भी इसमें शामिल हुए। इसमें चिंतन मंथन किया गया कि कैसे आदिवासी समाज को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए, समाज के समग्र विकास के लिए कैसे इन चीज़ों को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके अनियंत्रित होने की भी चर्चाएं हुई, जिसके क्या साइड इफेक्ट सामने आ रहे हैं उस पर भी इस कार्यशाला में मंथन हुआ, चर्चाएँ हुई, और इस चर्चा में जो भी निचोड़ निकला उससे ये सहमति बनी है कि आने वाले सालों में, महीनों में धीरे धीरे गांव फलीय स्तर पर पहुंचकर लोगों को समझाया जाएगा, इस मुहिम में जोड़ा जाएगा, तब जाके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। इस पूरी कार्यशाला के बाद हमने इसमें शामिल कुछ प्रमुख लोगों से बातचीत की, सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, अलीराजपुर ज़िले में हमारे जो आदिवासी समाज के सामाजिक संगठन हैं उसमें आज मुझे आमंत्रित किया था, और उसमें तीन विषय रखे थे, एक तो दहेज, डीजे और दारू। एक उन्होंने पत्रक भी इस अलीराजपुर ज़िले की जनता के लिए जारी किया है। वास्तव में हमने बहुत विस्तार से चर्चा भी की, और विस्तार से चर्चा करने के बाद सामने आया कि हमारे समाज की जो बुराइयां हैं, और बुराइयों के कारण हमारा जो अलीराजपुर ज़िला के जो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे आर्थिक रूप से, उसके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा हुई है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसका सार्थक भी लाभ मिलेगा। जैसे कि उदाहरण के लिए शादी में डीजे, ये बात सही है कि शादी होती है तो एक डीजे से भी शादी हो सकती है, लेकिन जब हम शादी में जाते हैं तो कम से कम एक एक शादी में 5 DJ, 10 DJ, 8 DJ, और वहाँ नाचने वाले 50 लोग भी होते नहीं। तो अब मुझे समझ में नहीं आता है कि जब नाचने वाले 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, तो 8-8, 9-9 DJ की आवश्यकता क्या। देखिए, आज एक कार्यशाला आयोजित की जिसमें दहेजा, दारू और डीजे तीनों पर ही नियंत्रण की बात कही, और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है क्योंकि हमारे द्वारा देखा गया है कि ये जो तीन बातें कही गई है, इन तीनों से ही हमारा आदिवासी समाज जो है वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो रहा है। शादियों में अनावश्यक DJs का उपयोग हो रहा है, उससे ना सिर्फ स्वास्थ्य पर एक प्रभाव, गलत प्रभाव पड़ रहा है, अपितु जो परिवार होता है उसकी जो आर्थिक स्थिति होती है उस पर भी गलत असर पड़ रहा है। उसी तरह शराब के नशे में भी लोग अपराध भी करते हैं, और साथ ही कई तरह की बीमारियां होती हैं जिससे वो ग्रसित हो जाते हैं। तो इन सब पे नियंत्रण की आवश्यकता है, और मैं समझता हूँ कि आज की जो एक जो D3 नियंत्रण समिति बनी है, इससे ये समिति मतलब मुझे लगता है पूरे ज़िले में इसका जनप्रचार करेगी, और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन इन दोनों ही तीनों मुद्दों पर उनके साथ में है, और हमारी जो विभाग की तरफ से भी जो खाटला बैठक आयोजित होती है उसमें भी हम इन तीनों विषयों को उठाते हैं, और मैं समझता हूँ कि ये जो समिति बनी कि इनके सहयोग से हम इस बात को हम बहुत ज़ोर से उठा पाएंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है आज इसकी शुरुआत हुई है और बहुत जल्दी इसका असर देखने को मिलेगा। जो बैठे हुए समाज की और सभी समाज के लोग यहाँ बैठे हैं, और सभी पार्टी के लोग थे यहाँ पर समाज के नाते, क्योंकि जो आज जो समाज में जो चल रहा है डीजे है, दारू, दहेज, और जो समाज का जो मापदंड होगा हम उस पर बैठे हुए और उसमें हम सहमत हैं। बाकी जो डीजे बंद करना, दारू बंद करना, ये हम लोग समाज में बैठेंगे, मीटिंग करेंगे, उसमें हम सब लोग बैठ के समाज के लिए कि उसका एक डीजे से बंद नहीं करेंगे, एक उसका मापदंड होना चाहिए, नियंत्रित करें, क्योंकि आज की तारीख में डीजे आप 10-10, 12-12 डीजे के शादी में जाते हैं, तो कम से कम एक डीजे होना चाहिए। हम ये समाज के लिए बात करेंगे। अभी DDD के विषय पर बैठक रखी गई थी, जो तमाम ज़िले के सामाजिक संगठन और राजनीतिक दल से जुड़े हुए और प्रशासन के सभी पदाधिकारी शामिल हुए थे, और यहाँ से निर्णय लिया गया कि इसमें बिंदुवाइज जो जो चीज़ें दर्शाई गई है वो अधिक से अधिक गांव में जाकर लोगों को बताए, और जो जिस प्रकार से दहेज धापा हो,
डीजे का मामला हो, शराब का मामला हो, लड़ाई झगड़े का हो, तो इसको हम लोग किस प्रकार से सीमित मात्रा में धीरे धीरे ख़त्म करें, इसी विषय को लेकर यहाँ पर चर्चा की गई। बिल्कुल, अगर जिस प्रकार से यहाँ पर सभी लोग उपस्थित हुए थे, सभी लोगों ने ठान लिया, तो निश्चित रूप से ये समाज के अंदर नई जागृति लाएगी। सहमति क्या, हमारे यहाँ के कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान जी, पूर्व विधायक भी थे, एसपी महोदय, कलेक्टर महोदय थे, और सभी जो जितने इस जिले के सामाजिक संगठन सब लोग थे, और यहाँ ये सहमति बनी है कि हमें इसे पटेल तड़वी से मिलकर चर्चा करके और उसको बहुत जल्दी हम दिसंबर तक पूरी तरह से प्रतिबंध कर देंगे। और मेरा यहाँ एक सुझाव था कि सबसे पहले मुझे मेरे घर से स्टार्ट करना पड़ेगी, मुझे दारू पीना बंद करना पड़ेगा, मुझे मेरे घर पर डीजे लाना बंद करना पड़ेगा, और मुझे दहेज मेरे घर से कम लेना पड़ेगी। ये सभी ने सहमति दी, सब हम अपने अपने आप से पहले स्टार्ट करें। देखिए, पिछले एक दो साल से जो ट्रिपल डी मतलब देजा डीजे दारू को नियंत्रण को लेकर हम लोग जो मुहिम चला रहे थे सोशल मीडिया के माध्यम से, और विगत दो वर्षों में हमने देखा भी कि कई जगह उसकी सकारात्मक बैठकें हुई, अच्छे कड़े निर्णय भी लिए गए, लेकिन समय समय पर आदिवासी समाज में क्या है कि बहुत जल्दी भ्रमित वाली परिस्थितियाँ हो जाती और लोग अपना रेट अलग अलग बना के नियमों को तोड़ देते हैं। तो हम लोगों ने इस बार प्रयास किया है कि जो गलतियां पूर्व में हुई है इस मिशन के दौरान, उसका न दोहराते हुए उससे सबक सीखते हुए एक पोस्टर लॉन्च किया है। इस पोस्टर में हम लोगों ने नाम दिया मिशन D3 देजा डीजे दारू नियंत्रण का। इसमें हम लोगों ने संरक्षक के तौर पर बतौर जितने भी हमारे जिले के जनप्रतिनिधि है जो जिम्मेदार है उनको लिया है। विशिष्ट मार्गदर्शक में माननीय कलेक्टर, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय है, और विशेष सहयोगी में जितने भी जिले के संगठन हैं उनके पदाधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता। साथ में हम लोगों ने थाना क्षेत्र के जो भी प्रभावशाली सरपंच हो, पटेल हो, चौकीदार हो, तड़वी या जागरूक जिम्मेदार युवा साथी है, उनके नंबर इस पेम्पलेट में दिए ताकि वो क्षेत्रीय बैठक में, उस थाना क्षेत्र परिसर में बैठकें करवा के वहाँ पर ये जो अनियंत्रित देजा डीजे दारू का प्रचलन होके आदिवासी समाज को आर्थिक क्षति पहुँचा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हो कि इसमें ऊपर ही एक टैगलाइन लिखी है, एक सशक्त आर्थिक संपन्न समाज की कल्पना लिए। हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि एक सशक्त आर्थिक संपन्न, अभी क्या है जो इसका अतिरिक्त उपयोग होने से अतिरिक्त कर्जा आदिवासी समाज पर बोझ बनकर लादा जा रहा है, जिससे वो कर्जे में डूबकर मरते जा रहा हो। यही नहीं, उसकी आने वाली पीढ़ी भी उस कर्जे को उतार नहीं पा रही। तो हम लोग कहीं ना कहीं आज जिले स्तर के सारे जो इस पैम्पलेट में लोग थे, जिनके नाम है, जिम्मेदार लोग हैं, जागरूक लोग हैं, सभी संगठन, पार्टी के लोग, सर्व समाज के बैनर तले आज इस बैठक हॉल में एकत्रित हुए थे, और सभी लोगों ने एक सुर में, एक आवाज़ में कहा है कि जो भी नियम बनता है समाज हित में, हम लोग उसको सहमति देंगे। यहाँ तक एसपी महोदय, कलेक्टर साहब ने भी बोला है कि आप जो डीजे की है डेसिबल की लिमिट कम करें, 1 से 2 डीजे बजाए, उससे अतिरिक्त बजाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं जितने जिले के जनप्रतिनिधि है, चाहे वो माननीय कैबिनेट मंत्री हो, माननीय पूर्व विधायक मुकेश जी पटेल हो, उन्होंने भी इस पर सहमति दी है कि भाई जब ढोल मांदल से शादियाँ हो सकती है, 1 से 2 डीजे में शादियाँ हो सकती है, तो आपको 10 डीजे 20 डीजे 30 डीजे की क्या ज़रूरत पड़ रही है। यहाँ पर सभी एकत्रित हुए, हमारे समाज के और राजनीतिक दल और सभी अधिकारी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए, दहेज दारू डीजे के उपलब्ध बंद करने के, उसमें तो हम भी पूरी कोशिश करेंगे, साल भर 2 साल तो लगेंगे धीरे धीरे हमारे समाज को जागरूक होने में, इससे हमारे परिवार की, सभी के परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, समाज सुधरेगा, देश सुधरेगा। तो ट्रिपल डी की इस कार्यशाला में आपने सारे पक्षों को सुना, ये एक महत्वपूर्ण पहल थी। मुझे निजी तौर पर जो इसमें अच्छा लगा वो ये कि पुलिस प्रशासन कांग्रेस बीजेपी से जुड़े सियासतदान, राजनेता और तमाम संगठनों से जुड़े लोग इसमें शामिल हुए। दलगत राजनीति को परे हटकर सिर्फ समाज की यहाँ पर बात हुई। उम्मीद है कि अगर ये सारे लोग मिल जाएंगे तो ये दहेज दारू और डीजे नियंत्रित करना कोई बड़ी बात या दूर की कौड़ी नहीं है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ।